मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। चलो जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। 53 विधायकों ने आज लिया शपथ। बीते दिन लगभग 200 विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद आज बाकी बचे विधायकों ने शपथ ग्रहण कर लिया है, जिसके तहत बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय पहले सत्र के दूसरे दिन आज यानी मंगलवार को विधानसभा के 53 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 201 से 243 के अलावा 1 से क्रमांक संख्या 200 के बीच में जो विधायक शपथ नहीं ले सके थे, उन्होंने आज शपथ लिया है। इससे पहले सोमवार को सरकार के मंत्री के अलावा विधानसभा संख्या 1 से क्रमांक संख्या 200 के बीच के ही विधायकों ने शपथ लिया था। इसके अलावा आज विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल भी करवाया गया है। भाजपा की ओर से विजय सिन्हा को स्पीकर पद के लिए मैदान में उतारा गया है। हालांकि इससे पहले पटना साहिब के भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव स्पीकर पद के दावेदार माने जा रहे थे। बिहार में एक हफ्ते के बाद बढ़ेगी कपकपी। बिहार में इस बार जिस हिसाब से गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई थी, वैसा ही कुछ ठंड के साथ भी होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। बीते 24 घंटे के अंदर ही मौसम में ऐसा बदलाव हुआ है कि एक ही दिन में पारा 6 डिग्री गिर गया है और मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि इस हफ्ते कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी दिशा में आ रही बर्फीली हवाओं के कारण पटना में एक दिन में 6 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। इससे राजधानी सहित बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। सोमवार को भी राजधानी पटना में रिकॉर्ड तोड़ ठंड देखने को मिली। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजद ने अवध बिहारी चौधरी को उतारा मैदान में। बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल हो जाएगा, हालांकि आज नामांकन की प्रक्रिया करवाई गई है। इसी क्रम में खबरों की माने तो राजद भी मैदान में अपने उम्मीदवार को अध्यक्ष पद के लिए उतार चुकी है, जिसके तहत महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बुधवार को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करवाया जाएगा। राजद की तरफ से प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी, भाई वीरेंद्र और ललित यादव के नाम की चर्चा हो रही थी। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ प्रमुख विधायकों को मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया था। राजद के प्रत्याशी उतारने को लेकर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को करना था। लालू की हरी झंडी मिलने की स्थिति में राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे चित्रा देव की। चित्रा देव का जन्म बिहार में आज ही के दिन हुआ था। देव का जन्म 1943 में ब्रिटिश भारत के पूर्णिया में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य में एमए और पीएचडी पूरा किया। देव ने आनंद बाजार पत्रिका में अपना करियर शुरू किया था और 1980 से लेकर 2004 तक वहां काम कर रही थी। वो एबीपी के पुस्तकालय अनुभाग की प्रभारी थी। देव ने कई पुस्तकों का संपादन और अनुवाद किया है। इसके साथ ही कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में महिलाओं के योगदान पर बड़े पैमाने पर शोध और लेखन किया है। देव का सबसे लोकप्रिय काम टैगोर घरेलू महिलाओं से संबंधित है। बंगिया सहित परिषद द्वारा उन्हें चित्रंजन बंदोपाध्याय जन्म शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोरोना को लेकर बिहार में जारी किया गया 10 से 15 दिन का अलर्ट। कोरोना प्रभावितों की संख्या में बिहार में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति काफी ज्यादा नियंत्रण में है, जिसके बाद अब दूसरे राज्यों कोरोना प्रभावितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में भी एहतियात के तौर पर 10 से 15 दिन का अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कई दिनों से बिहार में पर्व त्योहारों के कारण दूसरे राज्यों से लोग बिहार आए थे जो अब वापस लौटने लगे हैं। इसको देखते हुए ही सरकार की परेशानी बढ़ गई है। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को कोरोना संक्रमण को लेकर आगाह किया है। सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने, साथ ही साथ मास्क और सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। अवैध पैथ लैब्स पर दिखाई जाएगी सख्ती। बिहार में अवैध पैथ लैब्स की परेशानी बढ़ने वाली है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अद्यतन ब्यौरे की मांग की है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनते हुए उक्त निर्देश दिया है। एडवोकेट शमशूल हौदा की माने तो बिहार में अभी भी हजारों की तादाद में अवैध पैथ लैब चल रहे हैं। जवाब में सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया है कि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने जिलावार वैध एवं अवैध पैथोलॉजिस्ट केंद्रों की सूची प्रकाशित कर हरेक सिविल सर्जन को अवैध सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी को हार का ठीकरा, चुनाव आयोग पर नहीं फोड़ने की दी नसीहत। चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार राजनीति जारी है। सुशील मोदी और तेजस्वी यादव
इसी क्रम में अब एक दूसरे के आमने सामने है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में तेजस्वी यादव को दो टूक नसीहत दी गई है, जिसके तहत सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी अपनी हार का ठीकरा बेवजह आयोग पर फोड़ रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए के उम्मीदवार कम वोटों के अंतर से हारे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, इसीलिए कम वोटों से हारने का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। जबकि हकीकत है कि 11 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की हार 2000 से कम पर हुई है, जिनमें मटिहानी 333, डेहरी 464 वोट, कुढ़नी 712 और बखरी में 777 वोट से हुई है। मेवालाल चौधरी के बाद अशोक चौधरी को मिली जिम्मेदारी पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री को लेकर उठा सियासी विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। वहीं अब तेजस्वी यादव ने नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी पर सवाल उठाया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार सुबह ट्वीट करके अशोक चौधरी के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने आज सुबह सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सपरिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय ऐसे कारनामे वालों को मंत्री बनाया जा रहा है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, क्या राज है जी। श्रेयसी सिंह ने विकास करने के लिए मंत्री जरूरी नहीं होने की कही बात। भाजपा के सीट से मैदान में उतरी शूटर श्रेयसी सिंह ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। जमुई से जीतकर विधायक बनी श्रेयसी सिंह पहली बार विधानसभा पहुंची। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि जमुई की जनता ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। उनकी सेवा में मैं हमेशा आगे रहूंगी। जिस तरह से खेल की दुनिया में देश का नाम आगे बढ़ाया है, उसी तरह से हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप मंत्री बनेंगी तो सिंह ने कहा कि विकास करने के लिए मंत्री बनना जरूरी नहीं है, विकास करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पद नहीं। नीरज कुमार ने तेजस्वी को कुर्सी का मुंह छोड़ने की दी नसीहत। चुनाव भले ही खत्म हो गए हो मगर मंत्रियों के नाम पर राजनीति अब भी शुरू है। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद शुरू हुए घमासान में अब सरकार ने निशाने पर खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सरकार के कई मंत्री लगातार तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में जदयू नेता नीरज कुमार ने हाल ही में तेजस्वी पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 20 गंभीर मामलों के आरोपी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का मुंह त्याग कर एक मिसाल देनी चाहिए, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 20 मामलों के आरोपी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को तेजस्वी फिर से कलंकित करने में लगे हुए हैं। राजनीति को बेदाग बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष के पद का मोह त्याग कर नजीर पेश करना चाहिए। 27 नवंबर को लालू के बाहर आने का होगा फैसला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सीबीआई की ओर से जवाब सौंप दिया गया है। सीबीआई ने अदालत में सॉफ्ट कॉपी दी है और 24 नवंबर को हार्ड कॉपी भी सौंप दी गई है। अब राजद अध्यक्ष की जमानत याचिका पर 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पहले सप्ताह में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की जमानत पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की गई है, जिसके बाद अब सीबीआई के जवाब सौंपने के बाद 27 नवंबर का दिन तय किया गया है। सरकार को घेरने के लिए बुलाई गई राजद विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद विधायक दल की बैठक आज शाम को राबड़ी आवास पर होगी। होने वाले इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय करेगी। राजद विधानसभा में कुछ बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्य कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है। इसके साथ ही आज महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उतार दिया गया है, जिसके बाद कल एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलेंगे। दीपिका के साथ काम करके सिद्धांत चतुर्वेदी ने साझा किया अपना एक्सपीरियंस। डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के चर्चित शेर खान का किरदार निभाने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी अब नए फिल्म में नजर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार शकुन बत्रा की अगली फिल्म में वो दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे संग मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसको लेकर सिद्धांत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शकुन बत्रा की यह फिल्म इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, साथ ही इसकी रीच काफी ज्यादा होने वाली है। दीपिका जिस तरह फिल्म में एक्टिंग के जरिए खुद को दिखाती है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उन्हें देखकर किरदार अद्भुत लगता है। आरसीबी के पार्थिव पटेल ने रोहित को विराट से बताया बेहतर कप्तान। आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने
रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली की कप्तानी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रोहित विराट से बेहतर कप्तान है। सवाल इस बात का है कि कौन बेहतर फैसला ले सकता है, कौन खेल को ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकता है, कौन दबाव में बेहतर फैसला लेकर टीम को जीत दिलवा सकता है, और इस मामले में रोहित शर्मा थोड़े से आगे है। आपको बता दें, स्टार स्पोर्ट्स के क्रिकेट कनेक्टेड शो में पार्थिव पटेल के अलावा गौतम गंभीर और आकाश चोपड़ा के बीच भी बहस हुई कि रोहित और विराट में से बेहतर कप्तान कौन है। गंभीर एक ओर जहां विराट को हटाकर T20 टीम की कप्तानी रोहित को सौंपने के पक्ष में है, वहीं आकाश चोपड़ा का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का फैसला लेना सही नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम में बतौर कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।